उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भोगांव क्षेत्र के ग्राम छाछा में मांगों को लेकर रोड पर ही केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और वहीं चक्का जाम भी किया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को कड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटाया और जाम खुलवाया। इस मौके पर पहुंचे एसडीएम भोगांव और सीओ भोगांव को प्रधानमंत्री के नाम कार्यकर्ताओं के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर पहुंची मीडिया से रूबरू होते हुए मैनपुरी किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष तिलक सिंह ने बताया कि देश और प्रदेश में चल रही सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी फसलें अच्छे मूल्य से नहीं खरीदी जा रही हैं। हर मामले में सरकार किसानों को दबा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए ये काले कानून का विरोध जब पंजाब और हरियाणा में किया गया तो इस सरकार ने उन्हें बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, फसल का किसानों को न्यूनतम दाम दिए जाएं। आज जो आपने धरना दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जो सरकार द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किसान विरोधी टीम बिल लाकर किसानों को तबाह करने की जो योजना सरकार की, उसके विरोध में आज पूरे देश का किसान और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन मांगों को, इन बिलों को वापस नहीं लेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा नहीं देगी, तब तक किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। मुख्य कारण क्या रहा जिससे आपने धरना दिया है, तो क्या आपकी क्या क्या मांगे हैं? मुख्य कारण ये रहा कि हमारे साथी हरियाणा और पंजाब में 3 महीनों से लगातार इस काले कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। जब उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपनी बात कहूँगा, तो सरकार ने उनको हरियाणा बॉर्डर और पंजाब के बॉर्डर पर ही रोक दिया, उन पर गोली और लाठी चलवा दी, पानी की बौछार करवा दी। ये किसानों के साथ अत्याचार है और भारत का किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारा किसान पंजाब का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे बंगाल का हो, अगर किसान है तो किसान की लड़ाई हम नहीं और किसान की अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार को आना किसान भाइयों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी है। स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी मांग को रखने का सबको अधिकार है। उचित तरीके से कानून व्यवस्था में रहे उन्होंने अपनी मांग पत्र ये सौंपा है, मैं इसको शासन तक पहुँचाऊँगा। जिससे इनकी उचित मांगे हैं, जो भी मांगे इन्होंने माना है, मांगा है या डिमांड किया है, उस पर विचार हो और जो उचित मांगे उनको माना जाए। बाकी अच्छा सहयोग रहा उन्होंने अपनी मांग उठाई। हम लोग भी यहाँ शांति व्यवस्था ड्यूटी में लगे रहे, आप लोग भी देख रहे हो कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह का सहयोग बना रखना चाहिए। भारतीय किसान आंदोलन जो जनता परिषद था, इसमें ज्ञापन उन्होंने दिया है, ज्ञापन को देखते हैं मांगे किस स्तर पर सोल्यूशन करके दी जाएगी। इसमें तो हमको जो देखने से लग रहा है वो शासन स्तर किस प्रकार लगा के जो है हमारा उचित माध्यम शासन को दिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.